नमस्ते, मेरा नाम अनिश कामभागी, आपका स्वागत है फिर से एक और ब्लॉग के अंदर। आज है 3 अप्रैल, संडे का दिन है। आज एकदम रेस्ट करने के मूड में हूँ मैं, क्योंकि पूरे वीक में बहुत काम किया है। एंड रेस्ट इज नॉट एक्चुअली रेस्ट, क्योंकि ब्लॉग तो बना ही रहे हैं और साथ साथ जो दिमाग है वो कंटिन्यूसली इधर उधर चलता ही रहता है। इट्स जस्ट लाइक स्क्रीन से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा और स्क्रीन से रेस्ट लेके बस थोड़ा क्रिएटिव सोचने का समय मिलेगा, क्योंकि जब सारा दिन स्क्रीन पे रहते हैं, सारे टास्क जो कंप्लीट करने होते हैं, उस टास्क के बीच में अब नेक्स्ट क्या करना है वो सोचने का समय नहीं मिलता। तो संडे इज दैट वन डे जब थोड़ा सा काम से हटके कुछ अलग सोचने का टाइम मिलता है। संडे इज वेन आई एक्सप्लोर अदर थिंग्स, लाइक कोई बुक पढ़नी हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज देखनी हो या म्यूजिक सुनना हो कुछ अलग तरीके का। तो फिलहाल अभी नाश्ते का टाइम है, 10 बज रहे हैं और आज सुबह मैं 7 बजे उठा था, और क्योंकि कल रात को जब मैं एडिट कर रहा था वीडियो तो थोड़ा सा एडिट हुआ था, मेरे को अचानक से नींद आने लग गई तो मैं सो गया जल्दी, 1 बजे सो गया था मैं। तो मैंने सुबह अलार्म लगाया मैंने 7 बजे का, तो अभी 7 बजे उठकर फटाफट एडिट करी और आज थोड़ा व्लॉग भी लेट आया, 9:25 के करीब आया। बट एनीवेज अभी नाश्ता करता हूँ मैं। नाश्ते में परांठे बन रहे हैं आज, इडली पोहा सब डिच कर दिया हमने और परांठे के ऊपर ही फोकस किया है, पेट भरा रहेगा। और आज मम्मी ने भी जाना है मार्केट, और ये क्या देख रहा हूँ मैं परांठे के साथ में, ये सूखे आलू है। दिस इज, ये मुझे थोड़ा सा स्पेक्टिकल लग रहा है। पापा बताना क्या सब्जी है। ये तो टिंडे हैं। क्या हुआ? टिंडे क्यों बनाए? टिंडे नहीं हो, छोटे आलू आते हैं ना, वो भरवा बनाए हैं। किसने कहा देखो टिंडे? हम कोई पागल है, पिताजी ने कहा है। पिताजी को भी नहीं पता मैंने छोटे आलू कर लिए थे और उसको भरवा बनाए। और मम्मी का यहाँ पे जीनियस माइंड देखो, चिटाई को निकालने का, इसको बस यूं खोलो ये लगी रहेगी यहाँ पे। मम्मी पापा भी गए हैं मार्केट एंड मैं कोई मूवी देखने वाला हूँ फिलहाल तो, और साथ में एक टास्क और मिला है मुझे, ये तरबूज काट के रखना है आज। मुझे लगता है पहले मुझे यही कर लेना चाहिए। यहाँ पर तरबूज ने धोखा दे दिया। मैंने शॉर्ट्स लिए थे सिनेमैटिक की, भाई अंदर से फुल लाल निकलेगा तो मजा आएगा। अभी ये लाल हुआ नहीं है, टेस्ट करके देखें टेस्ट में कैसा है। टेस्ट में बहुत मीठा है, लेकिन वैसे दिखने में लाल नहीं है, मीठा बहुत है। पर तो मम्मी पापा भी आए हैं मार्केट से और गन्ने का जूस लेके आए मेरे लिए। गर्मियों के अंदर गन्ने के जूस का कोई जवाब नहीं। आपने क्या खाया? गन्ने का जूस पिया हमने। पापा ने भी? पापा ने लिमका। इस वक्त बज रहे हैं 2:30 और अभी टाइम हो रहा है लंच का। मम्मी पापा आ गए थे तकरीबन 1 बजे, फटाफट आ गए, मम्मी ने फिर लंच बनाया और आज बने हैं लंच में एकदम मस्त दिखने वाले अमृतसरी छोले, साथ में है दही और चावल। हम लोग अभी रिसेंटली अमृतसर गए थे तो वहाँ से सारे मसाले लेके आए थे, तकरीबन 19-20 मसाले लेके आए थे, अलग अलग तरह के, चने का मसाला, राजमा का मसाला और पराठा मसाला भी था ना, पराठा मसाला, चाय मसाला, और भाई क्या स्वाद मसाले हैं। क्या किया जाए, थोड़ी मीठी ज़्यादा होगी। कॉफ़ी कल से ये वाली कम डालनी है और वो वाली ज़्यादा डालनी है,
क्योंकि इसमें मीठा ज्यादा है ना। चलो वो पे जा रहा हूँ मैं। Going for a walk now. Champagne Perrier, Finnish friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa. I press the button and the doors go off like, whoa. That money clip us, not a new, not looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, 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 whoa. अभी मैं वापस आ गया हूँ वर्क से एंड आई एम नाउ डूइंग सम वर्क, अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च वर्क फॉर माय नेक्स्ट वीक, कल से शुरू होने वाला जो Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name, neighborhood no crib, neighborhood that's me, neighborhood that's Nick, neighborhood do the dance, neighborhood do the dip. पंजाब वर्सेस चेन्नई का मैच चल रहा है और भाई लिविंगस्टन क्या तोड़ रहा है, क्या लंबे लंबे छक्के मार रहा है, 108 मीटर का छक्का मारा है अभी जो। एक और छक्का आने वाला है मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों फील आ रही है मुझे। ओ चौका, फायर भाई फायर। ये जो बोतल देख रहे हो ना, इसमें पहले दूध लेकर आया करते थे पापा गांव से, तो दैट्स व्हाई इवेंचुअली इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लग जाती थी, अभी भी आने लग रही थी। मैंने क्या किया, एक हैक देखा है यूट्यूब के ऊपर और इसके अंदर संतरे के छिलके डाले, मतलब कुछ भी एसिडिक फ्रूट, कोई भी, नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू के छिलके भी। तो मैंने संतरे के छिलके डाले, थोड़ा सा डाला विनेगर और थोड़ा सा डाला बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में से कुछ भी डाल सकते हैं, और साथ में पानी डाल दिया। अब मैंने इसको ऑलमोस्ट दिख रहा है, नहीं दिखेगा, रुको टॉर्च चालू करता हूँ। और इसको ऑलमोस्ट मैंने रख दिया था 12 घंटे, सुबह रखा था मैंने, हाँ 12 घंटे तो हो गए होंगे इसको। और अब मैं इसको क्लीन करूँगा और इसकी जो अंदर पहले स्मेल आ रही थी वो एकदम गायब हो गई है, तो इट वर्क्स। क्या क्या चीज़ें, विनेगर, किसी कोई भी ऐसा फ्रूट जिसमें सिट्रिक एसिड होता है उसका छिलका और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, स्मेल गायब, एकदम गायब। I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, yeah, I'm rosé. E be the shooter, that's cold case. Those are the deals, that's rosé. Got no pay, yo, no say. Okay, this the news, tell them read it. Been the one since the fetus. भैया हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर लिया, पजामा पहन लिया है, अब आराम से बैठ के मैच देखूंगा मैं, घर पे कोई नहीं है अभी फिलहाल तो। और एक और चीज बता दूं जो मैंने फील करी पर्सनली, जब भी नवरात्रे आते हैं तो जोमैटो के जो ऑफर्स हैं वो एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। अभी फिलहाल आईपीएल भी चल रहा है, दैट्स व्हाई जोमैटो के जेएफसीकी के ऑफर्स काफी है, लेकिन नवरात्रों के टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स अचानक से आने लगते हैं, 70% ऑफ, 60% ऑफ, 80% ऑफ। रीजन में भी हो सकता है कि नवरात्रों में लोगों का फास्ट होता है या लोग बाहर से मंगवाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं क्योंकि प्याज वाला खाना लगता है कि उनको आ जाएगा, तो एक वो भी रीजन हो सकता है कि जो डिमांड है वो कम हो गई है और उनको बिजनेस तो चलानी है अपना, तो दैट्स व्हाई वो हायर साइड पे रखते हैं जितने भी ऑफर्स होते हैं। अब अपने फोन में चेक करना, ऐप पे आपको अभी भी 60-70% ऑफ दिखा रहा होगा मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स के ऊपर। लास्ट ईयर का मुझे याद है जोमैटो ने नवरात्रि के टाइम पे डिलीवरी एकदम फ्री कर दी थी, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं थे, और जैसे ही नवरात्रे खत्म हुए उसके बाद भाई सारे के सारे ऑफर्स गायब, क्योंकि उनको पता है उस टाइम पे डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी तो उनका फायदा उस चीज में होगा। तो अभी 9 बजने वाले और टाइम डिनर का हो गया और मम्मी ने आते ही मतलब जबरदस्त सरप्राइज, मैं अंदर देख रहा था मैच और यहाँ पर मम्मी ने सीधा बना दिया शाही पनीर, और मुझे लगा कि छोले खाने वाले पड़ेंगे, लेकिन भाई साहब लुक एट दिस शाही पनीर, भाई बहुत सही हो रहा है, मैंने टेस्ट करके देखा, बिना प्याज के लग भी नहीं रहा, बिना प्याज ग्रेवी इतनी सही लग रही है उसकी। मैं पता है अभी यही बात कर रहा था कि आप लोग शायद बाहर से लेके आओगे, मंदिर से निकले मैंने कहा टाइम पूछूं, मैंने कहा फिर सब्जी घर पे बनाएंगे और रोटियां ले लेते हैं। अच्छा जो काम के लिए गए थे वो हो गया काम, तो अभी तो टाइम लग गया। तो फिर भाई संडे एंड करते हैं विद द शाही पनीर तो है यहाँ पे, केसर पिस्ता वाली आइसक्रीम। तो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको इसी तरह के और व्लॉग्स देखने हैं, तो मैं आपके सामने और इसी तरह के अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा और एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूंगा। बाकी बचे हुए व्लॉग्स आप साइड में देख सकते हैं और एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैं सिर्फ अपनी छोटी छोटी जो फिल्म्स बनाता हूँ वो डालने वाला हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, तब तक के लिए नमस्कार। Spend a dope for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go.